जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। अरे मैं कोई गाना नहीं सुना रही है दोस्तों, मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 2 डिग्री एक साथ करना चाहते थे, जो 2 डिग्री एक साथ कर रहे थे, तो उन्हीं के लिए बहुत ही बेहतरीन सी गुड न्यूज़ जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दे दी। आपको मैं बता दूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसी की तरफ से पूरी गाइडलाइंस जारी होती हैं जो आपके आगे की हायर एजुकेशन की अथॉरिटी एजुकेशन होती है उसके रिगार्डिंग। तो इसने क्या किया है, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ के साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आप लोगों के लिए एक खुशखबरी दी है, और वो खुशखबरी ये कह रही है कि अब आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। है ना गुड न्यूज़। बस हाँ, इसके कुछ नियम और शर्तें जो हैं वो लागू कर दी हैं यूजीसी ने। यूजीसी कह रही है कि अगर आप 2 डिग्री एक साथ करते हैं तो एक जो है आपको रेगुलर मोड से करनी होगी, दूसरी आपको डिस्टेंस मोड से यानी प्राइवेट से करनी होगी। अगर पहली वाली आप प्राइवेट से कर रहे हो तो भाई दूसरी वाली जो है वो रेगुलर कर सकते हो। यानी कुल मिला के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एक डिग्री कर सकते थे, एक डिप्लोमा कर सकते थे, वैलिड थे, 2 डिप्लोमास कर सकते थे, एक डिग्री एक सर्टिफिकेट कर सकते थे, बट 2 डिग्री उनकी खतरे में थी। तो इस स्थिति में यूजीसी ने आपका रास्ता कर दिया है साफ। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सा है कि आप 2 डिग्री जो है आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। बस अभी ये आज की डेट से 21 मई को ये नोटिस आया है, इसके बाद इसका प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने मन में एक चीज़ और भी रखिए कि अभी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइन ये नहीं है कि इससे प्रायर जितने लोगों ने 2 डिग्रियाँ ली हैं यानी इस डेट से पहले जितने लोगों ने 2 डिग्रियाँ ली है, क्या उन सब की डिग्री भी जो है वो वैलिड मानी जाएगी। इसके रिगार्डिंग अभी कोई नोटिस जो है वो जारी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा संशय है इस चीज़ को लेकर। पर डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोग के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। तो फिलहाल के लिए तो एक राहत भरी सांस आप लोग ले सकते हैं कि अगर आपके अंदर कैलिबर है, मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियो में अपडेट किया था कि 2020 में ये डिसीज़न आने की पूरी पूरी संभावना है कि 2 डिग्रियों को एक साथ करने की मान्यता दे दी जाएगी, जो कि दे भी दी गई। तो अब बस यही है कि जो पहले ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 डिग्रियाँ ले ली हैं उन्हें भी पूरी तरीके से मंजूरी मिल जाए। 2012 में इसके रिगार्डिंग आई थी गाइडलाइन, जो कमेटी बनी नहीं, उसने जो है अपनी रिपोर्ट इसके फेवर में सबमिट नहीं की, पर जो दोबारा कमेटी बनी तो उसने आप लोगों के फेवर में, आप लोगों के हित में डिसीजन लिया है। तो डेफिनेटली आगे आने वाली जो न्यूज़ होगी वो अभी आपके लिए अच्छी होगी, जो मैं चैनल पे आपके लिए शेयर करूंगी। अभी हाल ही में वीडियो बनाई थी आप लोगों की डिमांड पे कि 2 डिग्री जो है वो वैलिड नहीं है, आप ना करें, बट ये न्यूज़ जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आई है। तो देखते हैं कि कल का आने वाला सूरज जो नया सवेरा होगा आपके जीवन में कितनी रोशनी लेके आता है। इस चीज़ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है, आपने पढ़ाई करी, आपने एग्ज़ाम क्लियर किए और फिर उसके बाद आपको अपनी एक डिग्री कैंसिल करानी पड़ती है, तो दैट इज़ नॉट सेफ फॉर यू। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो भाई अब तो इस वीडियो को एक लाइक बनता है, और फटाफट से इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करो जिससे सभी लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए और सब लोगों को ये खुशखबरी मिल जाए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे सुना, इतना टाइम दिया, इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, उन सब बातों के लिए ना तहे दिल से धन्यवाद।